बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा राज्य था जिसे राजा अलेक्जेंडर चलाया करते थे। ये उसी राज्य की कहानी है जिस राज्य में एक प्रिंस रहा करता था जिसका नाम था चार्ल्स। वो काफी चतुर और समझदार था, एकदम अपने पिता की तरह। उसने वो सारी चीजें सीखी जो एक प्रिंस को आनी चाहिए। प्रिंस होने के साथ साथ वो एक अच्छा इंसान भी था। चार्ल्स अपने पिताजी की राजगद्दी को संभाले हुए देख काफी प्रसन्न हुआ करता था। ये बात राजा ने गौर की और राजा को समझ आ गया कि यही सही वक्त है प्रिंस को शाही तलवार से रूबरू करवाने का। राजा अपने भाई अल्बर्ट से कहते हैं, मुझे लगता है चार्ल्स बड़ा हो रहा है, यही सही वक्त है, प्रिंस को अब शाही तलवार सौंप देनी चाहिए। अल्बर्ट अपने भाई से जलता था क्योंकि राजा और चार्ल्स को सब पसंद करते थे। एक दिन राजा अलेक्जेंडर अपने भाई अल्बर्ट के साथ प्रिंस चार्ल्स के कमरे में गए। क्या हुआ पिताजी, आज आप यहाँ? आपने मुझे बुला लिया होता मैं आ जाता, आपने क्यों कष्ट किया यहाँ आने का? राजा हंसते हुए बोलते हैं कि बेटा, आज मैं बहुत विशेष काम से तुम्हारे पास आया हूँ। प्रिंस काफी उत्साह के साथ राजा की बात सुनने लगा। राजा अपनी तलवार निकालते हुए उसे बताते हैं कि बेटा, ये देखो, ये है हमारी पुश्तैनी तलवार जो हमारे दादा परदादा के जमाने से चलती आ रही है। ये तलवार आज से तुम्हारी हुई। पर पिताजी, ये तो आपकी तलवार है ना? हाँ बेटा, अब तुम बड़े हो रहे हो और अब तुम्हें ही आगे जाकर ये गद्दी संभालनी है। ये बात सुन प्रिंस खुश तो जरूर हुआ पर मन ही मन वो कुछ सोचने लगा। तभी राजा उसे बोलते हैं, बेटा तुम इसे कोई मामूली तलवार मत समझना, ये तलवार हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी और सभी मुसीबतों से तुम्हें बचाएगी। और राजा ने तलवार प्रिंस को सौंप दी। प्रिंस ने जैसे ही तलवार अपने हाथ में ली, वो तलवार चमकने लगी। पिताजी, ये तलवार लेकर मैं एक योद्धा से कम महसूस नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे काफी अलग शक्तियों का अनुभव दे रही है। तुम इसे अपने से कभी दूर मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम इसे अपने से कभी दूर मत जाने देना। हाँ पिताजी, मैं हमेशा ध्यान रखूंगा। और राजा वहाँ से चले जाते हैं और अल्बर्ट ये सब देखता है। मैं ये होने नहीं दूंगा, मैं ये तलवार अपने बेटे स्टीवन का होते हुए देखना चाहता हूँ। बस एक बार ये तलवार मेरे हाथ लग जाए, बाकी चीजें तो अपने आप मेरी हो ही जाएगी। कुछ साल बीत गए और एक दिन राजा अलेक्जेंडर बहुत बीमार पड़ गए। देखते ही देखते उनकी तबीयत और खराब हो गई। ये सब देखकर अल्बर्ट ने प्रिंस की शादी करने का प्रस्ताव उनके सामने दिया, जिसे सुन राजा अलेक्जेंडर ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी हामी भर दी। प्रिंस की शादी किसी दूसरे शहर की प्रिंसेस से हो जाती है। प्रिंस और प्रिंसेस की सोच एक दूसरे से काफी मिलती जुलती थी। एक दिन राजा चार्ल्स कहते हैं, आज से तुम्हारा ध्यान अंकल अल्बर्ट रखेंगे और तुम्हें उनका कहना मानना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद राजा चल बसे और सारा बोझ अब चार्ल्स पे आ जाता है। पर चार्ल्स चीजें काफी अच्छे से संभाल लेता है। एक दिन, अब तो तुम्हारे पिता भी नहीं रहे तो ये तलवार अब तुम्हारे किस काम की? नहीं अंकल अल्बर्ट, पिताजी की ये आखिरी निशानी है, मैं इसे कभी भी किसी कीमत पे अपने से दूर नहीं कर सकता। तो ये ऐसे तलवार मुझे नहीं देने वाला, अब मुझे ही कुछ करना होगा। एक दिन प्रिंस अपनी पत्नी को लेकर उसके शहर जा रहे होते हैं, तभी कुछ सिपाही उसे घेर लेते हैं। तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, हट जाओ मेरे रास्ते से वरना अंजाम काफी बुरा होगा। हमें जो करना है वो तो हम करके ही जाएंगे, चलो अब चुपचाप अपनी तलवार हमें दे दो और हम तुम्हें छोड़ देंगे। किसी भी कीमत पे मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता। ये तलवार ऐसे नहीं देगा, इसकी पत्नी को यहाँ से दूर फेंक दो। नहीं, ऐसा मत करो, मेरी पत्नी को कुछ मत करना। हार मानकर आखिर चार्ल्स को तलवार देनी ही पड़ी। और तभी वहाँ हंसते हंसते अल्बर्ट आ जाता है और चार्ल्स को समझ आ जाता है कि ये सब किया कराया इसके अंकल का ही है। आखिर लोग अपनों से ही हार जाते हैं।
अंकल, आपको पिताजी कितना माना करते थे। उन्होंने मुझे और इस राज्य को आपके ऊपर छोड़ दिया और चले गए। पर उन्हें क्या पता था कि उनका ही सगा भाई उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम्हारे पिताजी ने मुझे बस अपने काम के लिए इस्तेमाल किया है और मैं ये अपने बेटे के साथ नहीं होने दूंगा। पिताजी को दिए हुए वचन के कारण चार्ल्स विवश हो गया था। राजा और उसकी पत्नी वहीं जंगल के पास एक कुटिया में रहने लगे और अपना जीवन जीने लगे। और दूसरी ओर अल्बर्ट ने सारी चीजें अपने हाथों में ले ली और वो ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा। कुछ साल बीत जाते हैं, राज्य की हालत बिगड़ गई। वो राज्य जो कभी समृद्धि के लिए जाना जाता था, वो अब एक उदास राज्य बन गया था। सब चीजों की कमी पड़ने लगी। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है अल्बर्ट। हमारे देवता जैसे राजा के साथ तुमने छल कर अच्छा नहीं किया, इसीलिए आज हम सबको ये दिन देखना पड़ रहा है। सब राजा अल्बर्ट को कोसने लगे और राजा अल्बर्ट को भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। शायद सच में ये सब इसी वजह से हो रहा है। आखिरकार छीनी हुई चीजों से किसी का भला नहीं होता। अल्बर्ट प्रिंस चार्ल्स को ढूंढने लगता है और उसके पास पहुंच जाता है और उसे अपनी गलतियों की माफी भी मांगता है। बेटे, मुझे माफ कर दो। लालच के कारण मैं अंधा हो गया था और मुझे इसका सबक भी मिल चुका है। आप मुझसे बड़े हैं, मुझसे माफी मत मांगिए। ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया और मैं इसी में खुश हूँ। अल्बर्ट वो शाही तलवार चार्ल्स को वापस करने का वादा करता है। जैसे ही चार्ल्स अपने महल में जाकर अपनी तलवार अपने हाथों में लेता है, वैसे ही शाही तलवार पहले की तरह चमकने लगी और देखते ही देखते सब पहले की तरह ठीक हो गया और सब खुशी से रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच हमेशा एक बुरी बला है। बहुत समय पहले की बात है, बगदाद में सुल्तान नाम का एक लड़का रहता था जिसने अपना बचपन जगह जगह घूम कर बिताया था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उसे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था। इस वजह से वह कई बार निराश होकर समुद्र के किनारे जाकर बैठ जाता था। एक दिन वह समुद्र के किनारे बैठा हुआ था और सोच रहा था कि काश उसके साथ कोई ऐसा चमत्कार हो जिससे कि वह सबसे अमीर आदमी बन जाए और अपने जीवन को चलाने के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े। यह सोचकर वह ऊपर वाले से विनती करने लगा और फिर वो चुपचाप वहाँ बैठ गया। कुछ देर बाद समुद्र की लहरों में से एक सुंदर सा कांच का बोतल उसके पास बहते हुए आया। उस बोतल पर एक ढक्कन लगी हुई थी और उसके अंदर एक कागज थी जिस पर कुछ लिखा हुआ था। सुल्तान ने बोतल का ढक्कन खोला। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, उसके अंदर से एक जिन बाहर आया। सुल्तान रेत पर गिर गया, वह डर गया था। तभी उस जिन ने कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? मैं आज से आपका गुलाम हूँ। मैं आपका तब तक गुलाम रहूँगा जब तक मैं आपकी तीन ख्वाहिशें पूरी नहीं कर देता। मैं आपकी तीन ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। जिन की बात सुनकर सुल्तान समझ चुका था कि उसे एक ऐसी चीज मिल चुकी है जो उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर सकती है। उसने जिन से कहा, अच्छा, क्या तुम मेरी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हो? जी हाँ, लेकिन मैं आपकी सिर्फ तीन ख्वाहिशें ही पूरी कर सकता हूँ। सुल्तान ने अपना पहला ख्वाहिश मांगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक ऐसा घर बनाओ जो दुनिया में सबसे बेहतरीन हो, जिसे देखकर हर एक इंसान की आंखें फटी की फटी रह जाए। इसके बाद वो जिन गोल गोल घूमने लगा। देखने में ऐसा लग रहा था कि कोई बवंडर आ गया हो और वह सुल्तान को लेकर दूसरी जगह पहुंच गया। रुककर जिन ने सुल्तान से पूछा, क्या ये जगह आपके घर के लिए सही है आका? जिन सुल्तान को ऐसी जगह ले गया जो उसके घर के लिए बहुत ही बेहतरीन थी। उस जगह को देखकर सुल्तान ने जिन से कहा, ये जगह मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। हाँ, यहाँ बना सकते हो तुम मेरा घर।
सुल्तान के ऐसे कहते ही उस जगह पे जबरदस्त बिजली कड़कने लगती है और देखते ही देखते वहाँ एक घर बनने लगा। कुछ देर बाद सुल्तान का घर पूरी तरह से तैयार था। ऐसा हो जाने के बाद जिन ने सुल्तान से कहा, मेरे आका, आपकी एक ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, अब बस आपके पास दो ख्वाहिशें ही बाकी है। आप चाहो तो तुरंत उन दो ख्वाहिशों को भी मांग सकते हो। नहीं नहीं, अभी नहीं, मैं तुमसे बाद में सोचकर कोई ख्वाहिश मांगूंगा। अब सुल्तान के पास अपना महल था जिसमें वह बड़े आराम से रहने लगा। अब उसके पास नौकर नौकरानी और खाना बनाने के लिए बेहतरीन रसोइये भी थे। अब सुल्तान सोचने लगा कि उसे दूसरी ख्वाहिश क्या मांगनी चाहिए। ये सोचकर वो बाजार की ओर चला गया। बाजार में उसने कुछ ऐसे बच्चों को देखा जो भूखे थे और दूसरों से खाना मांग रहे थे। उन बच्चों को देखकर सुल्तान को अपनी बात याद आ गई। एक समय गरीबी में उसे भी इसी तरह रहना पड़ा था, इसीलिए वह उनको देखकर उदास हो गया। वो उनके लिए कुछ करना चाहता था, इसीलिए वो अपने महल गया और जिन से बोला, ए जिन, मैं तुमसे अपनी दूसरी ख्वाहिश मांगना चाहता हूँ। जी, हुकुम करिए मेरे आका। सुल्तान ने अपनी दूसरी ख्वाहिश मांगी। मैं चाहता हूँ कि आज से कोई भी बच्चा भूखा ना रहे, उन्हें कभी भी खाने के लिए दूसरों से कुछ भी ना मांगना पड़े। जिन ने सुल्तान की ख्वाहिश सुनी और उसने उसे पूरा कर दिया। सुल्तान की ख्वाहिश को पूरा करने के बाद जिन ने उससे कहा, मेरे आका, आपकी दो ख्वाहिशें पूरी हो चुकी है, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्वाहिश बाकी है। क्या आप उसे अभी पूरा करना चाहते हो? नहीं, मैं अपनी तीसरी ख्वाहिश भी सोचकर ही बताऊंगा। अब सुल्तान खुश था कि अब उसके पास अपना खुद का महल था और बच्चों को अब से भूखा नहीं रहना पड़ता था। कुछ दिनों बाद सुल्तान को इस बात की याद आई कि उसकी तीसरी ख्वाहिश बाकी है, लेकिन वो ये भी सोच रहा था, अगर वो तीसरी ख्वाहिश मांग लेता है तो उसके बाद क्या होगा? क्या वो जिन चला जाएगा या इसके अलावा कुछ और भी होगा? अब सुल्तान यही सोच रहा था कि इसके आगे क्या होने वाला है। तभी उसे याद आया कि उस कांच की बोतल में एक कागज थी जिस पर कुछ लिखा हुआ था। वह तुरंत अपने बोतल को खोजने लगा। जैसे ही उसे वो बोतल मिली तब उसने उस कागज को बाहर निकाला। उस कागज में लिखा था, कोई भी व्यक्ति इस जिन से तीन ख्वाहिशें मांग सकता है, लेकिन तीन ख्वाहिशें पूरी हो जाने के बाद उस व्यक्ति को सारी जिंदगी इस बोतल में कैद होकर रहना पड़ेगा। इसके बाद वो जिन आजाद हो जाएगा। ये पढ़ते ही सुल्तान घबरा जाता है। अब वह डरा हुआ था और बार बार सोच रहा था कि वो आगे क्या करेगा। तभी उसे एक तरकीब सूझी और उसने जिन को बुलाया। जिन उसके सामने हाजिर हुआ और वो बोला, क्या हुकुम है मेरे आका? ए जिन, मैं अपनी तीसरी ख्वाहिश भी पूरी करना चाहता हूँ। जैसे ही जिन ने यह सुना वो अंदर ही अंदर खुश होने लगा। वो सोच रहा था कि वो हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा और उसे बोतल में नहीं रहना पड़ेगा। फिर सुल्तान ने अपनी तीसरी ख्वाहिश मांगी। मेरी तीसरी ख्वाहिश ये है कि अब से तुम सारी जिंदगी मेरे गुलाम रहोगे और मेरे मर जाने के बाद तुम वापस इस बोतल में चले जाओगे। ये सुनकर जिन गुस्से से चिल्लाने लगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। अगर वो ऐसा करने से मना करता तो उसे अंतकाल तक नर्क में जाना पड़ता।